लोकसभा चुनाव के सातवें चरण के नामांकन भरने की प्रक्रिया के आखिरी दिन रॉबर्ट्सगंज 80 लोकसभा सीट से अपना दल की प्रत्याशी रिंकी कोल ने नामांकन किया। नामांकन के दौरान अपना दल नेता और कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल भी साथ में मौजूद रहे। साथ ही मंत्री संजीव गौड़, विधायक भूपेश चौबे भी पूरे चुनाव प्रक्रिया के दौरान मौजूद रहे। नामांकन के बाद एनडीए के अपना दल की प्रत्याशी रिंकी कोल ने कहा, जीतने के बाद शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल को लेकर क्षेत्र में काम करेंगी। प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर रिंकी कोल ने पीएम मोदी सहित अपना दल अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल को भी धन्यवाद किया। वहीं वर्तमान सांसद पकोड़ी कोल की बहू को टिकट देने को लेकर परिवारवाद के सवाल पर मंत्री आशीष पटेल ने कहा, यहां कोई परिवारवाद नहीं है, रिंकी कोल विधायक है, अच्छा काम कर रही है, इसलिए उनको रॉबर्ट्सगंज लोकसभा से प्रत्याशी बनाया गया है। मंत्री आशीष पटेल ने दावा किया कि रॉबर्ट्सगंज लोकसभा से अपना दल ने जो प्रत्याशी बनाया है, मंत्री आशीष पटेल ने दावा किया कि रॉबर्ट्सगंज लोकसभा से अपना दल ने जो प्रत्याशी मैदान में उतारा है वो सबसे योग्य है। साथ ही लोकसभा सीट और दूधी विधानसभा उपचुनाव में जीत का मंत्री आशीष पटेल ने दावा किया है। वहीं रॉबर्ट्सगंज लोकसभा सुरक्षित सीट से समाजवादी पार्टी से मोनिया देवी ने नामांकन कर सबको चौंका दिया। पति के बाद पत्नी के नामांकन करने से जिले में एक अलग तरह की चर्चा का विषय बना बैठा है। आपको बता दें कि प्रत्याशी के तौर पर नामांकन भरने वाली मुनिया देवी पूर्व सांसद छोटेलाल खरवार की पत्नी है। मुनिया देवी बरहमोरी क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य भी हैं। चर्चा है कि किसी कारणवश छोटेलाल खरवार का नामांकन रद्द हो जाता है तो उनकी पत्नी मुनिया देवी मैदान पर डटी रहेंगी। नामांकन रद्द होने के डर से पूर्व सांसद छोटेलाल ने पत्नी का भी पर्चा भरवा दिया है। इससे पहले सोमवार 13 मई को समाजवादी पार्टी की तरफ से पूर्व सांसद छोटेलाल खरवार ने भी नामांकन प्रक्रिया पूरी की थी। प्रत्याशी मुनिया देवी ने कहा कि मुद्दे तो बहुत हैं, जिले में किसान, पानी, विकास, बिजली, रोड को लेकर चुनावी मैदान में है, मेरा प्रतिद्वंदी कोई नहीं है, इसीलिए हम अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। मेरा आपसे सिर्फ इतना कहना है, इससे पहले भी यहाँ से कोल बिरादरी से सांसद रहे हैं और अब की बार भी हमने उसी बिरादरी से सांसद उतारा है, तो हमारी सरकार किसी एक बिरादरी को लेकर के काम करने का काम नहीं करती, जिस सबके हित के लिए। हाँ, हमारी सरकार का नारा आप तो जानते ही हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका हित को आगे ले जाने का काम। तो ये जिनको कहना है वो ये शब्द कह सकते हैं और हमारी सरकार सब प्रत्याशी बदलने का कारण क्या रहा, जैसे आपने एक सरकार जीतते फिर ये आगे भी तो कोल, वो भी कोल दे और सांसद। मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगा, ये पीढ़ी परिवर्तन है और पीढ़ी परिवर्तन को आप भी पसंद करते होंगे, पिता के बाद बच्चों का ही हक होता है तो बच्चा आ रहा हूँ। आप जिस परिवारवाद को कह रहे हैं, आप अपनी बात मेरे मुंह से कहलवाना चाहते हैं तो मैं कह दूं, नहीं मैं जो कहना चाहता हूं उसको सुन ले। ये इसके पहले वहां से विधायक रही हैं या सीधे इनको उतारा जा रहा है, आप मुझे सिर्फ इतना बता। और